अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार पुलाव और हमारे पुलाव का नाम है रामपुरी पुलाव। तो रामपुरी पुलाव के लिए मैंने चिकन लिया है 1 किलो, 4 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है और 1 प्याज लिया है, उसके 2 पीस कर लिए, 5-6 जवे लिए लहसुन के और नमक 2 टेबलस्पून है। तो चले आइए पहले यखनी बना लेते हैं। यखनी के लिए पानी लिया है मैंने 5 गिलास और ये चिकन डाल दूंगी इसके अंदर। बहुत ही मजेदार होता है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही लजीज और आप खाएंगे तो बहुत खुश होंगे और बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। और ये जो मैंने आपको बताया था सब ऐड कर देंगे इसके अंदर और नमक भी डाल देंगे इसके अंदर। अच्छा, इसको मैं कवर कर देती हूँ 20 मिनट्स के लिए। यखनी हमारी तैयार हो गई है, चिकन को निकाल लेती हूँ मैं, चेक करते हैं बोटी। 20 मिनट मैंने इसको पकाया है, देखें बहुत जबरदस्त बोटी निकल गई है। तो मैं चिकन को निकाल लेती हूँ अलग और यखनी को अलग निकाल लेती हूँ। चिकन मैंने निकाल लिया है और मसाले मैंने लिए हैं, 1 छोटा सा प्याज लिया है, बहुत ही छोटा सा, ये देखें, ज्यादा प्याज नहीं लेना आपने, और 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन पेस्ट लिया है और काली मिर्च ली है मैंने 12-15 और बड़ी इलायची 2, लौंग 4 और 2 पीस लिए मैंने दालचीनी के, 1 टेबलस्पून भर के लिया है मैंने जीरा और 2 मैंने तेजपात के पत्ते लिए हैं और दही लिया है मैंने 1 पाव, उसको फेंट लिया अच्छी तरह। तो चले आइए पहले प्याज फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप ऑयल का डाल लेंगे और ये प्याज डाल देंगे इसमें फ्राई के लिए। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। प्याज फ्राई हो गया है, इसमें लहसुन डाल देंगे। थोड़ा सा इसको चिमटे से ला के इसको फ्राई करेंगे। इसकी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मजेदार जबरदस्ती। और ये गरम मसाले सारे ऐड कर देंगे इसके अंदर, थोड़ा इसको भी चमचे चलाएंगे। वाह जबरदस्त, क्या शान है मेरे अल्लाह ताला की, इतने जबरदस्त गरम मसाले, बहुत ही मजेदार खुशबू आ रही है, जबरदस्त। इसमें दही ऐड कर देंगे, और ये चिकन बॉयल हुआ हुआ, इसे थोड़ा सा भुनेंगे इसके अंदर दही में और लहसुन में और मसालों में। चिकन फ्राई हो गया, चावल लिए मैंने 1 किलो, चावल डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा चमचा चलाएंगे इसके अंदर ताकि मिक्स हो जाए सब मसाले। अच्छा, ये 1 किलो चावल में मैं डालूंगी पानी यखनी का जो लिया है, यखनी बनाई थी, ये है 5 गिलास। तीन गिलास मैंने पहले डाले थे यखनी के, अब 2 गिलास और डाल रही हूँ। ये वही यखनी है जिसमें मैंने चिकन और सारे मसाले मिक्स किए थे। ये पूरे 5 गिलास हो गए और इसका नमक भी चेक कर लेते हैं, कम है या ज्यादा। नमक थोड़ा सा कम है, 1 टीस्पून में और डालूंगी, डाल देती हूँ इसके अंदर। वन टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है, इसको मैं कवर कर देती हूँ 10 मिनट के लिए, जब तक पानी खुश नहीं हो जाता चावलों का, तब तक के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ। चावलों का पानी खुश्क हो गया है, इसको मैं दम पे रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए और चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना चावलों में।
वाह जबरदस्त, कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। पुलाव हमारा रेडी हो गया है, तो इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें चमचा मैं अब चला रही हूँ, पहले बिल्कुल नहीं चलाया था। कितने खिले खिले चावल बने, तो एहतियात किया करें कि ये ना चमचा ना चलाया करें ज्यादा। और चावल बहुत लजीज बनते हैं और बहुत अच्छे खड़े खड़े साबुत साबुत बनते हैं, तो इनको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। बहुत ही मजेदार सा हमारा देगी यखनी पुलाव तैयार हो गया है, रामपुरी भी कहते हैं इसको। और इसको आप चटनी के साथ, सलाद के साथ, रायते के साथ खाएं तो बहुत मजा आएगा। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।